एक शख्स अगर जी आप देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, वो हाफिज कुरान है, लेकिन अगर उसके अंदर झूठ है या वो चुगलियां करता है या उसके अंदर एक शैतानी है उसके दिमाग में, तो आप मुझे बताओ कि फिर क्या फायदा। 100 कत्ल करके एक शख्स, believe it or not, उसने कहा कि अब क्या करूं, there's no way out। वो फिर उसको अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन, किस आप सब लोग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज ही फाइनली जो है ना फ्राइडे है, मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और हम लोग अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है जिया, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि जिया को कहें कि अपना नाम भी इस्लामिक कर दें, तो उसका नाम वजीहा है और मैं जो है ना उसको जिया बुलाती हूँ, उसका निक नेम है, तो हर नेम इज बेसिकली वजीहा, ठीक है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह से अभी आज वजीहा ने कहा था कि हम एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ हमारा, तो मैं आऊँगी और हम लोग बनाएंगे और फिर आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और जो लोग मुझसे वेट लॉस का पूछ रहे हैं तो वो जो है ना मेरा कल व्लॉग आएगा, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, बस मैं इतनी बिजी एक दो दिन में हो गई थी कि वो अपलोड नहीं हो सका, और एक दिन पहले भी इंटरनेट का इशू था, मेरा व्लॉग नहीं आया। तो अब जो है ना क्या कहते हैं वेट लॉस का भी आपको आएगा, पहले आप लोग ये देखें नेक्स्ट जो व्लॉग है वो वेट लॉस का होगा कि मेरे कितने इंचेस कम हुए हैं और कितना वेट कम हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम मिलते हैं वजीहा से। अच्छा जी गाइज, आज जो है ना फाइनली जो है ना जिया आ गई हैं, और हम लोगों ने जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर फ्राइडे को पॉडकास्ट होगा, तो जी आज जो है ना जिया हमारे लिए टॉपिक लेके आई हैं। आप सब लोगों को भी जुम्मा मुबारक हमारी तरफ से, तो जो है ना आप जिया बताएं। ठीक है, आज हमारा मेरा जो टॉपिक है ना, मैंने सोचा है इट्स अबाउट मगफिरत। अच्छा, मगफिरत, मगफिरत कि अल्लाह ताला को जो सिफ्त है ना कि ही इज़ गफ़ार, ही इज़ गफूर रहीम, विच इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री मगफिरत की। सही, अल्लाह ताला कितने ज़्यादा गफूर रहीम है, वो तौबा के दरवाजे पे बैठ के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बंदा मेरे पास लौट के आएगा। जैसे कि आई ऑलवेज से कि माँ को सबसे ज़्यादा अपने बिगड़े हुए बच्चे की फिक्र होती है। सही बात, इसी तरह अल्लाह ताला को हम जैसे गुनाहगारों की बहुत ज़्यादा फिक्र है, और ही इज़ अवेटिंग अस कि कब हम उस रास्ते पे आएँ, उस दरवाजे को खटखटाएं जहाँ पे अल्लाह बैठ के हमारे इंतज़ार करते हैं। सो आई ऑलवेज कोटा वाकिया, जो मैं हमेशा से आपके सल्लम की हदीस का मफहूम है सुनाती हूँ, और हमारा ईमान उस तरह कितना बूस्ट होता है कि हम उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, और अल्लाह ताला हमारी तौबा के कितने ज़्यादा इंतज़ार का वाकया। ठीक है, मैं आपको वाकया सुनाऊँगी कि आपके सल्लम की हदीस का मफहूम है कि हमारा एक ऐसा शख्स था, उसने 99 कत्ल किए, यू नो 99 कत्ल उस शख्स ने किए, और जब उसने 99 कत्ल किए तो उसको एक फीलिंग आई, जैसे कि हमें भी बहुत ज्यादा गुनाह करके एहसास होता है ना कि बस कुछ गलत हो रहा है जिंदगी में, किसी को हर्ट किया तो बुरा लगता है, तो वो उसको बेकरारी महसूस हुई, तो वो किसी के पास जाता है, उसे कहता है कि मेरे से ना 99 कत्ल हो गए, सो आई वॉन्ट टू रिपेंट, मुझे वापस अल्लाह की तरफ लौटना है। तो वो उसे कहते हैं तौबा 99 कत्ल और अब तुम आयो, तो उसको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, तो 100 कत्ल करके एक शख्स, believe it or not, उसने कहा कि अब क्या करूं, there's no way out। वो फिर उसको बेकरारी कि नहीं, चैन नहीं है, आपको पता है ना अल्लाह के जिक्र से बेकरार दिल सुकून पाते, सो ही वांटेड दैट। हमारी रूह भी ऐसी है, जब हम बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं तो हमारी रूह एक सुकून चाहती है, कि एक करार चाहती है, एक अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, सो ही वांटेड दैट। वो फिर किसी और अल्लाह वाला के पास जाता है और उसे कहते हैं कि मेरे से 100 कत्ल हुए और मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं रिपेंट करना चाहता हूं। तो वो क्योंकि नेक आदमी था, उसने उसे कहा कि फलां बस्ती है और आप उस बस्ती तक जाएं और आप देखें कि वहां पे कुछ नेक अल्लाह वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें, देखें आपका क्या मामला होता है। सो वाइल ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द बस्ती, आप देखिए अल्लाह का करना क्या था, उसको रास्ते में मौत आ जाती है। जब उसे जब उसको मौत आती है तो आप देखें कि उसी वक्त जहन्नम के फरिश्ते उसको लेने आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज अ कातिल। लेकिन द अदर मोमेंट उसके साथ ही जन्नत से फरिश्ते आ जाते हैं, सुभान, एंड देन उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन होती है कि जहन्नम वाले फरिश्ते कहते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गए, 100 कत्ल किए उसने,
एंड देन द जन्नत वाले फरिश्ते वो कहते हैं कि नहीं, इसमें आखिरी वक्त में अल्लाह से रुजू करके तौबा कर ली। सो यू नो वो जो तौबा का मोमेंट था ना, उन्होंने कहा नहीं, इस मामले को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाए, इसका क्या मामला होगा इस लाश का। तो फिर फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अल्लाह ताला ये ऐसी फला बंदा ऐसे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप ऐसा करो, जाओ उसको डिस्टेंस मापो कि अगर वो नेकुकारों की बस्ती की तरफ जा रहा था, बिकॉज उसने नेकी का इरादा कर लिया था और वो बदलना चाहता था, तो देखो अगर उसका डिस्टेंस नेकुकारों की बस्ती के करीब था तो फिर तुम इसको जन्नत में ले जाओ, बट अगर डिस्टेंस ज्यादा था तो फिर ये जहन्नमी है। अब अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने अल्लाह पे कि उन फरिश्तों के लौटने तक मेरे अल्लाह उस लाश को उल्टा पलटा के मीलों को समेट देते हैं, एंड देन वो जब सिमट जाते हैं ना, यू नो वो जो फासला होता है, तो जो फरिश्ते देखते हैं तो वो तो बहुत करीब होते हैं, असल में वो बहुत दूर था हमारा, इट वाज वेरी फार अवे, लेकिन अल्लाह ने उस लाश को पलटा के इतना करीब कर दिया, और फिर जब उसको मापा तो जन्नत वाले फरिश्ते ले गए। So that's what I say, कि एक हदीस हमें ये लग रहा होता है कि नहीं, अगर हम तो गुनाहगार हैं, अगर अभी भी हम तौबा कर सकते हैं, हम अल्लाह की तरफ रजू हो सकते हैं। और जिया देखे, मैं ना आपको यही बात कह रही थी ना कि देखो हम लोग ना, हमें नहीं पता कि अल्लाह की नजर में कौन वो है। हम लोग जाहिरी चीजें देख के जो ना, हम लोगों को ये लगता है कि जो बंदा 5 वक्त का नमाजी होगा, जो ये होगा ना, तो वो जन्नती है। लेकिन जो बंदा और दुनियावी, आपको नहीं पता, एक शख्स अगर जी आप देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, वो हाफिज कुरान है, लेकिन अगर उसके अंदर झूठ है या वो चुगलियां करता है या उसके अंदर एक शैतानी है उसके दिमाग में, तो आप मुझे बताओ कि फिर क्या फायदा। बिल्कुल। और हमारा, मैं आपको इसी से रेलिवेंट एक और हदीस सुनाऊंगा, मफहूम ये कि अल्लाह ताला की खौफ से निकलने वाला तुम्हारा आंसू तुम्हारी आंख में अभी अटका हुआ है, इट डजंट इवन फेल डाउन ऑन योर चीक, आपकी पलक में फंस गया, और अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग से निजात दे देंगे सिर्फ एक खौफ नदामत का आंसू। दैट्स व्हाट ही वांटेड, वो इखलास चाहते हैं अल्लाह ताला, नियत, अल्लाह ताला डजंट लुक फॉर द क्वांटिटी, ही लुक्स एट द क्वालिटी, कि आप बेशक जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, अपने फ़र्ज़ ठीक है, बट अगर उसमें इखलास नहीं है हमारा, तो फिर अल्लाह ताला को वो नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को क्वालिटी चाहिए। इसी तरह आप इस्लाम की कौर हदीस में आप इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी, मेरी खौफ से जो तुम्हारे जिस्म पे बाल रोंगटे खड़े होते हैं, उस खौफ की वजह से जो तुम्हारे जिस्म पे बाल खड़े होते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह ऐसे झाड़ते हैं जैसे कि दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। तो यार देखो, 99 कतल बल्कि 100 कतल उस शख्स ने कर लिए थे और उसको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, वरना हम तो कहते हैं कि बस एक कतल किया है तो इसको सजाए मौत दे दो, इसको यूं कर दो, मतलब हम लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वाकया था, इस तरह से जिया मैंने यही सोचा है कि अभी तो हम हर फ्राइडे को करें। मेरे व्यूअर्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था लास्ट टाइम, बहुत, आपने तो पढ़े थे सारे मैसेजेस वगैरह, तो सबने कहा कि आप जिया को लेके आए, और बल्कि आपको भी चाहिए कि आप इस तरह से, मैंने तो खुद जिया को मोटिवेट किया कि जिया आप खुद भी इस तरह से चैनल बना सकते हो इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताओ इस तरह से, लेकिन मेरे थ्रू चलो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मुझे था कि चलो अब आगे रमजान आ रहा है तो हम लोग मिलके, होता ना कि एक एक होता है, दो जो होते हैं ना वो 11 के बराबर होते हैं, तो इस तरह से कि मुझे है कि चलो हम लोग पूरा जो रमजान होगा तो उसमें डेली जो ना हम लोग किया करेंगे। माय बाजी, आज आई वेंट टू मेरी आज ग्रेजुएशन। अच्छा, माशाल्लाह। सो मेरी बाजी ने ना एक बड़ी प्यारी बात की कि हर मूसा के लिए हारून चाहिए था, सो इट्स हमारा इज लाइक हारून फॉर मी, यू नो, जैसे हमें मूसा को एक हारून चाहिए था, सो दैट्स व्हाट, वो साथ था दीन का साथ, क्योंकि हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा था कि आप मेरे साथ मेरे भाई को भेजे फिरौन के पास, कि ही डजंट वांट टू गो अलोन, तो अल्लाह ताला ने उनको उनका साथ साथ दे दिया ना। सो शी इज लाइक अ हारून फॉर मी, क्योंकि उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं, मैं अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा सकूं, एंड आई वांट टू टेल यू कि हाउ मच अल्लाह ताला वांट्स कि आप वापस लौट के, क्योंकि जिया ने मुझे ये कहा था कि मैंने सोचा है कि मैं जो मैं रात को हर वो किया करूं, तो मैंने यही कहा कि देखो जिया, हम लोग यहाँ पे ज्यादा 8-10 लोगों को बुला लेंगे, अब पूरे बेरिया में आप नहीं भी जानते, तो मैंने कहा था ये एक बहुत अच्छा
कहने को तो ये एक कैमरा लगा हुआ है जी, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोग हैं। किसी एक की भी जिंदगी बदल जाए या मतलब बहुत से लोगों को डिपेंड। इंशाल्लाह जी, हम लोग जो हमारे बेसिक टॉपिक्स है ना उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने उस दिन कहा था कि रूह की भी जो बीमारियां होती है, जैसे हसद हो गया और झूठ हो गया, कीना हो गया, बुगज हो गया, इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि हमने उसको फाइट कैसे करना है। ठीक है, एक किताब है रूहानी अमराज, उसके उसके तरीके हैं जिसे हमें अपने आप को मॉनिटर करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारी है और फिर उसको हमें फाइट कैसे करना है। इंशाल्लाह विल डिसाइड है और बस आप अल्लाह ताला से जज़ाकअल्लाह जिया, थैंक यू सो मच आप आई और आपने नॉलेज दिया। क्योंकि मैं जो मेरे जो व्यूअर्स हैं ना जिया, देखिए मैं अकेले भी बैठ के, मैंने उस दिन भी मिलके कहा था कि बहुत से ऐसा टाइम होता है कि ऑफ कैमरा मैं जिया से मिलती हूँ, हम रात को कभी वॉक करते हैं कुछ, तो मैं मुझे तब भी जिया बहुत सी बातें बताती है, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, जो चीज़ मैं नॉलेज ले रही हूँ तो मैं आप लोगों को तक आप भी बताऊँ। मैंने जिया को ये कहा, जिया स्टॉप इट नाउ, हम रात को ये नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम आप मेरे घर आना, वो किस्सा आप मुझे भी सुनाना, मैं अपनी फैमिली को भी बताऊंगी। तो जिया ने भी मुझे सपोर्ट किया, जिया ने कहा ठीक है मैं आऊंगी इंशाल्लाह, वरना बहुत से लोग ये भी नहीं करते। तो थैंक यू सो मच और होपफुली यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो तो लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा रमजान इस तरह की वीडियोज आए तो इंशाल्लाह पूरा रमजान आएंगी और हर फ्राइडे तो कन्फर्म आएंगी। थैंक यू जी सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।